जैसे कि हमारे गांव में पहले हमारी सब्जियों के बीच, वो बाजरे के बीच में हम ज्वार उगाते थे और बीच में ककड़ी मछली के बीज भी डालते थे, तो चार पांच चीज़ें एक साथ उगती थी, है ना। वो कल्चर अब ख़त्म होता जा रहा है, अब हम मोनो कल्चर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मोनो कल्चर में क्या है, एक तो डाइवर्सिटी कम है, अब इसमें जैसे मधुमक्खी है तो उनके लिए भी कुछ मिल जाता है आपके, पर मधुमक्खी बाद में कहाँ जाएगी, जब सरसों कट जाएगी तो 3 महीने कहाँ रहेगी, ना तो उनको रहने की जगह। तो हमारे को जो हमारे खेती है उनमें परिवर्तन करना पड़ेगा, अगर हमें इस खेती से जिंदा रहना है तो सब हमें हमें मधुमक्खी जिंदा रखनी पड़ेगी, हमें पक्षी जिंदा रखनी पड़ेगी। तो अपने को अपने जो पुराने जो तरीके थे ना, तौर तरीके यहाँ की जमीन बिल्कुल अलग है आपको, इसमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। जैसे यहाँ पर यहाँ से बहुत सारा सामान, यहाँ से बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज है ना, वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज वहाँ पर जाता है, बफेलो ऐसे करके बड़ी यूनिवर्सिटी है जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ पर करते हैं। ये पगमार्क जो है, ये कहीं मैं कहूँ कि ये कुत्ते और टाइगर के पगमार्क में क्या फर्क है तो पता है आप लोगों को, कुत्ते के पगमार्क में नाखून आएंगे और कैट के पगमार्क में नाखून नहीं आएंगे, नाखून वो रिट्रीव करके ऊपर रखता है, तो नाखून के पाँव जमीन पे नहीं पड़ते, तो कुत्ते के पाँव में और बिल्ली जाती है पगमार्क के पाँव में फर्क है, हम इसको टाइगर का प्रिंट मानते हैं। आज हमने देखा पगमार्क देखा पर इसको नाखून नहीं दिखता।